बिलासपुर में हिंदू जागरण ने प्रदेश महामंत्री कमल गौतम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने प्रदेश भाजपा सरकार पर तुष्टिकरण की नीति को स्पष्ट नहीं करने के बिलासपुर में आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के प्रति सरकार ठोस नीति नहीं बना पाई है। जब हिंदुओं पर कोई अत्याचार, धर्मांतरण व लव जिहाद की घटना पेश आती है तो प्रदेश सरकार इन कुप्रथाओं को रोकने के प्रति बेवश व लाचार नजर प्रतीत होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के कार्यकाल में लावारिस गौवंश की रक्षा के प्रति ठोस नीति नहीं बनाने के लगाए आरोप। उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच ने प्रदेश भाजपा सरकार से आग्रह किया है कि लावारिस गौवंश की रक्षा के प्रति शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएं। प्रांत महामंत्री हिंदू जागरण मंच आज यहां से बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार के समक्ष ये विषय रखना चाहता हूं कि प्रदेश भर में जो तुष्टिकरण की नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है और हिंदू हितों को जो अनदेखा किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ में जिन जिन विषयों को लेकर के हिंदू संगठन जो है सरकार के समक्ष अपना विषय रखते हैं उन विषयों के ऊपर सरकार की संवेदनहीनता कहीं ना कहीं हिंदू हितों के ऊपर सीधा कुठाराघात है। तो इस प्रकार का रवैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां भी हमें लगेगा कि हिंदू हित के ऊपर जो है सरकार की ओर से अनदेखी की जा रही है वहां हिंदू जागरण मंच तत्परता के साथ विरोध में खड़ा होगा। मेरी दूसरा जो विषय है वो अपने प्रदेश भर में जितनी भी गौ सदन चल रहे हैं हिंदू जागरण मंच ये मांग करता है कि उन सभी गौ सदनों के लिए मुफ्त बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो है इन विषयों को गंभीरता से लेगी और इन विषयों के ऊपर विचार करते हुए इन विषयों का तत्काल प्रभाव से जो है शीघ्र अतिशीघ्र निपटान करेगी और हिंदू हितों की सुरक्षा में जो है अपना योगदान देगी।